आपका स्वागत करता हूं जी के section.com के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल में। हम आज देखेंगे जनरल नॉलेज जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है सभी परीक्षाओं के लिए, उसका भाग 7 का प्रश्न व उत्तर हिंदी भाषा में। ये सभी प्रश्न व उत्तर आपको जी के सेक्शन वेबसाइट पे मिल जाएंगे संक्षिप्त में जानकारी के साथ। हर प्रश्न में आपके पास 5 सेकंड होंगे जिसका आप अनुमान लगा सकते हो सही उत्तर क्या है। यदि नहीं लगा सकते तो हम आपको उत्तर उसका सही 5 सेकंड बाद देंगे। तो सही उत्तर आपको मिलेगा 5 सेकंड बाद। पहला प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून, 17 जुलाई, 17 सितंबर या फिर 7 अगस्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न को आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है 7 अगस्त। वीनस पहला पर्यावरणीय शोध उपग्रह अगस्त 2017 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा छोड़ा गया था, इजराइल, रूस, चीन या फिर भारत। प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित है ये प्रश्न। तो सही उत्तर है इजराइल। विश्व पर्यावरण दिवस 2017 का विषय निम्नलिखित में से क्या था, हरित अर्थव्यवस्था, क्या ये आपको सम्मिलित करती है, सोचो खाओ बचाओ, लोगों को प्रकृति से जोड़ना, बहुत सी जीव जातियों, एक ग्रह एक भविष्य। फिर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित है। तो उसका सही उत्तर जो है वो है लोगों को प्रकृति से जोड़ना। चौथा प्रश्न, INSV तारिणी नामक पाल जलायन पर पृथ्वी यानी ग्लोब की जलपथ से परिक्रमा करने के लिए भारतीय नौसेना के सभी महिलाओं वाले एक अभियान दल हेतु चाल विराम निर्धारित किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विराम नहीं है, डरबन, लिटन, पोर्ट स्टेट या फिर फ्रेमेंटल। समय चालू हो चुका है प्रिय दोस्तों, चलिए हम बताते हैं इसका सही उत्तर, वो है डरबन। भारत सरकार की प्रगति छात्रावृत्ति स्कीम निम्नलिखित में से किसके लिए है, बालिकाओं की तकनीकी शिक्षा, बालिकाओं की उच्च शिक्षा, बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा या फिर बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा। 5 सेकंड का समय है, जिसका उत्तर हम बताते हैं वो है बालिकाओं की तकनीकी शिक्षा। छठा प्रश्न, GST से संबंधित, GST लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी, संविधान में संशोधन के बिना GST लाने के लिए संघ के साथ सहमत होने के लिए राज्य तैयार नहीं थे या फिर बी वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने संवैधानिक संशोधन की संस्तुति की थी या फिर सी GST समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 2006 ऐसे मामले के लिए पर्याप्त थे। GST परिषद ने संवैधानिक संशोधन की संस्तुति की थी ताकि उनकी शक्ति में वृद्धि हो। प्रिय दोस्तों GST के बारे में यदि जानना है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर आपको हिंदी भाषा में GST के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसका सही उत्तर है सी यानी कि GST समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 2206 ऐसे मामले के लिए अपर्याप्त थे। सातवां प्रश्न, विश्व के पहले विभाजन संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ, ये करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है। तो उसके चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, अमृतसर, लाहौर या फिर इस्लामाबाद। प्रिय मित्रों इसका सही उत्तर है वो है अमृतसर। आठवां प्रश्न, गरीब उन्मूलन में अर्थसहाय के एक विकल्प के रूप में UBI का क्या तात्पर्य है, सार्विक मूल्य आय, अपरिभाषित मूल्य आय, अप्रबंधित मूल्य आय या फिर संयुक्त मूल आय। 5 सेकंड समय है आपके पास, आप इसमें अंदाजा लगा सकते हो कौन सा सही उत्तर है। यदि नहीं तो हम बता दें इसका सही उत्तर है का यानी कि सार्विक मूल आय। निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसने हाल ही में माई फास्टैग तथा फास्टैग पार्टनर मोबाइल ऐप शुरू किया गया, दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण, विमान पत्तन आदि आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आप माई फास्टैग या फिर फास्टैग पार्टनर के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करके जान सकते हैं। इसका सही उत्तर आपके सामने है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 10वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है इस भाग का, सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी कि SAGY की एक विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है,
प्रत्येक चिन्हित ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम विकास योजना तैयार किया जाना है, या फिर बी यह संसद सदस्य द्वारा मार्गदर्शित है, सी इसका लक्ष्य गांव के लिए अवसंरचना निर्मित करता है, या फिर डी यह सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित है। सही उत्तर इसका वो है ए, प्रत्येक चिन्हित ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम विकास योजना तैयार करना है। दोस्तों इस योजना के बारे में और अधिक जानना है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए जिसका नाम है www.gksakshar.com। यदि इस सभी प्रश्न के उत्तर की पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करो जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है। आप वहाँ पर डाउनलोड व ऑनलाइन दोनों पढ़ सकते हो। इसका जल्दी पार्ट रिलीज होगा तो दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर तीनों करें। थैंक यू, हैव ए